सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SPT999। दिस इज विकास और ये टैली का लेक्चर 6 है जिसमें हम लोग GST लगाना सीखेंगे। तो जीएसटी को हम लोग अलग अलग लेवल पे सेट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप पे, स्टॉक आइटम पे या फिर कंपनी लेवल पे। तो ये अलग अलग लेवल पे जीएसटी सेट करने का मतलब क्या है और उसका क्या इफेक्ट आता है, ये हम लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये अलग अलग लेवल पे जीएसटी सेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कुछ स्टॉक्स हैं, अलग अलग स्टॉक आइटम हैं और इनके सब ग्रुप हैं, और ये इनका ग्रुप है, लैपटॉप ग्रुप है जिसके दो सब ग्रुप हैं, डेल और लेनोवो, ऐसे ही मोबाइल और डेस्कटॉप में। और कंपनी लेवल पे जब आप जीएसटी सेट करते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे आप कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करेंगे तो वो सभी ग्रुप में, उसके सभी सब ग्रुप में और सभी स्टॉक आइटम में वही जीएसटी सेट हो जाएगा। मान लीजिए आपने कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट किया 12%, तो लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप सभी पे 12% लग जाएगा, इसके सभी सब ग्रुप में वही आएगा और अल्टीमेटली सारे स्टॉक आइटम 12% के टैक्स के बन जाएंगे। तो ये बात समझना बिल्कुल आसान है कि हम कंपनी लेवल पे जीएसटी कब सेट करते हैं, जब हमारी कंपनी में सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही परसेंटेज के हों, यानी उन पे एक ही परसेंटेज टैक्स लगता है, तो हम उसे कंपनी लेवल पे सेट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप उसे स्टॉक आइटम लेवल पे सेट करेंगे, यानी एक एक स्टॉक आइटम पे जा जा के सेट करेंगे, तो आपको इन सभी स्टॉक आइटम पे बार बार अलग अलग सेट करना पड़ेगा, जबकि कंपनी लेवल पे सेट करने से क्या होगा, एक ही बार में सभी प्रोडक्ट पे लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सारे प्रोडक्ट एक ही परसेंटेज के हैं, 12% के, लेकिन कोई एक, जैसे कि मोबाइल, ये स्टॉक ग्रुप है मोबाइल, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब पे 5% का टैक्स लगता है, तब फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉक के इस ग्रुप लेवल पे जीएसटी सेट करेंगे, ताकि इसके ग्रुप के दोनों सब ग्रुप और उसके सारे स्टॉक आइटम, ये चार स्टॉक आइटम है, इन पे 5% का टैक्स लग जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मोबाइल पे 5% का टैक्स अगर सेट करेंगे तो इसके दोनों पे सब ग्रुप में और उसके स्टॉक आइटम में 5% का टैक्स अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग लेवल पे सेट करते हैं और बाकी जो स्टॉक आइटम्स हैं उन सब पे कंपनी लेवल वाला सेट रहेगा। अब इसमें जैसे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के दोनों फोन पे अलग परसेंटेज लगता है, मान लीजिए 18% लगता है, या फिर विंडोज पे मान लीजिए 18% लगता है, किसी एक पे अलग लगता है, तो फिर हमें सब ग्रुप पे जाकर के सेट करना पड़ेगा ताकि इसके दोनों स्टॉक आइटम पे परसेंटेज सेट हो जाए अलग। मतलब कुछ ऐसा कि हमें इन दोनों स्टॉक आइटम पे 18% का टैक्स लगाना था, तो हम विंडोज के सब ग्रुप पे जाके लगा देंगे, तो इस दोनों पे लग जाएगा। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टॉक आइटम है पार्टिकुलर और उस पे अलग ही लगता है, सबसे अलग लगता है, 28% का टैक्स लगता है किसी एक स्टॉक आइटम पे या किसी दो स्टॉक आइटम पे, तब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम लेवल पे जाके जीएसटी को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही लैपटॉप था, इस पर 28% का टैक्स लग रहा था, और यहाँ पे फोन था एक विंडोज का, उस पर 28% का लग रहा था, तो फिर हम स्टॉक आइटम लेवल पे जाके जीएसटी को सेट करेंगे। और यही बेस्ट तरीका है जीएसटी को सेट करने का, अलग अलग लेवल पे जीएसटी सेट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे ले जाके सेट करें तो इसको सेट किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि हर एक स्टॉक आइटम पे आपको जा जाके सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए तीन स्टॉक आइटम है जिसपे 12% का टैक्स लगेगा, तो आपको 3 बार जाके जीएसटी सेट करना पड़ेगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, और ऐसे ही चार नीचे दिए हुए हैं तो इन चारों पे भी आपको सेट करना पड़ेगा, तो 3 और 4, 4 3 7 अलग अलग जगह पे जाके आपको जीएसटी सेट करना पड़ेगा। जबकि आप कंपनी लेवल पे सेट करेंगे तो एक ही बार सेट किया आपने और इन सब पे लग गया। अब मोबाइल पे अलग रखना था तो यहाँ पे हमने अलग कर दिया, यहाँ रखना तो इसको कैटेगराइज कर दिया, और यहाँ पे रखना था तो इसको। और अगर स्टॉक आइटम हमारे अलग अलग परसेंटेज के हैं, तब हम स्टॉक आइटम लेवल पे जाके पर्सनली सेट करेंगे एक एक। तो गाइज आप हमेशा यही अप्रोच फॉलो करिएगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही सबसे सही तरीका है कि हम एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी लेवल या ग्रुप लेवल पे जीएसटी सेट कर दें, ताकि उसके सभी स्टॉक आइटम पे परसेंटेज करेस्पॉन्डेंस सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए पहले से हमने कंपनी लेवल पे सेट किया था, तो जब हम स्टॉक आइटम लेनोवो LP200 पे जाकर के, स्टॉक आइटम पे जाकर के परसेंटेज सेट करेंगे 28%, तो क्या कंपनी लेवल वाला हट जाएगा, क्योंकि पहले से कंपनी लेवल वाला सेट था? तो जी बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि जो लोकल लेवल पे आप लगाते हैं उसको प्रायोरिटी पहले मिलती है, यानी स्टॉक आइटम वाले को मिल जाएगी, तो कंपनी लेवल पे जो जीएसटी लगा था वो ओवरराइट हो जाएगा। ऐसे जब आपने कंपनी लेवल पे सेट किया था तो सभी पे सेट हो गया था, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल के ग्रुप में जाकर के जीएसटी सेट करेंगे तो
तो मोबाइल के लिए कंपनी लेवल वाला जीएसटी ओवरराइट हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे मोबाइल पे जो परसेंटेज लगा है, विंडोज पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप विंडोज पे जाके सेट करेंगे वो मोबाइल वाले को ओवरराइट कर देगा, और कंपनी लेवल का तो पहले ही ओवरराइट हो चुका था। तो इसी तरह से अब यहाँ पे विंडोज पे हमने जब 28% लगाया तो इसने विंडोज के इस ग्रुप को ओवरराइट किया, इसने इसको कर रखा था, इसने इसको कर रखा था, तो यहाँ पे अलग सेट हो गया। तो जिस लेवल पे आप सेट करते हैं वो अपने प्रीवियस लेवल के टैक्स को ओवरराइट कर देता है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप एक ही टैक्स परसेंटेज सभी ग्रुप स्टॉक आइटम पे लगाना चाहें तो कंपनी लेवल पे सेट करिए, अगर कोई 1% सभी स्टॉक आइटम पे लग रहा है किसी एक ग्रुप के तो ग्रुप लेवल पे, और अगर अलग अलग स्टॉक आइटम पे लगाना है परसेंटेज तो स्टॉक आइटम लेवल पे जाके लगाएंगे। और ऐसे ही हम लगा सकते हैं वाउचर लेवल पे भी जा करके और लेजर लेवल पे भी जा करके जीएसटी लगा सकते हैं। तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट हम लगाते हैं और ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आती जाएंगी जब आप एंट्रीज करते जाएंगे, तो वहाँ सेट करते जाएंगे ये सब। तो आप चलते हैं टैली में और ये जीएसटी सेट करके देखते हैं। तो हम टैली प्राइम में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने एक कंपनी ले रखी है पहले से और कुछ स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो जो एग्जाम्पल आपने अभी देखा था वही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप जाएंगे, स्टॉक आइटम पे क्लिक करिएगा या एंटर मतलब, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हमने डेस्कटॉप और उसके दो सब ग्रुप बनाए हैं, SLHP ऐसे लैपटॉप, उसके दो सब ग्रुप मोबाइल और उसके दो सब ग्रुप और उसके सभी स्टॉक आइटम। तो ये प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देगा कि किसके अंडर में कौन कौन से ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं और कौन कौन से स्टॉक आइटम हैं। अब बात आती है कि इस पे हम जीएसटी कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करेंगे और देखेंगे जैसे ही कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करेंगे इन सभी पे एक ही परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे सेट करते हैं, जीएसटी जब हम ऑन कर रहे होते हैं, इनेबल कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए ऑन करना पड़ेगा। ऑन कैसे करते हैं, F11 उसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप यहाँ फ्रंट पेज पे, गेटवे पे, ये मेन पेज है टैली का, यहाँ आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे टैक्सेशन वाला पार्ट है और टैक्सेशन वाले पार्ट में आप जा करके इस जीएसटी को यस कर देंगे। जैसे आप इसको यस करेंगे यहाँ आपसे डिटेल पूछेगा, आपकी कंपनी किस स्टेट में है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ये जो स्टेट की डिटेल पूछ रहा है क्यों पूछ रहा है, ताकि ये समझ सके कि आपका ट्रांजेक्शन IGST होगा या CGST और SGST वाला, यानी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इसके अलावा कॉम्पोजिट और रेगुलर डीलर दो होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। तो रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, पूछेगा जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, हम यहाँ पे डेट दे करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ जीएसटी नंबर देते हैं अपनी कंपनी का। तो क्योंकि हम स्टेट कोड यहाँ पे देंगे यूपी का 09 और कोई एक हम यहाँ पे ले लेते हैं जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 15 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें स्टार्टिंग के 10 जो आपके पैन नंबर हैं और इसके अलावा ब्रांच कोड और सिक्योरिटी कोड। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछेगा क्वार्टर रिटर्न या मंथली, तो मंथली रिटर्न भरना होता है। यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल को हम यस करेंगे, जैसे आप इसको यस करेंगे आपसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछेगा आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, HSN कोड प्रोडक्ट का कुछ होता है और या फिर सर्विस दे रहे हैं कोई, तो SSC कोड होगा। यहाँ आप देखेंगे ये पूछेगा टैक्सेबिलिटी क्या है, एग्जेम्प्टेड जिन पे टैक्स नहीं लगता, निल रेटेड जिन पे लगता है लेकिन 0%, और टैक्सेबल तो हम टैक्सेबल ले लेंगे, कितना परसेंट लगा रहे हैं यहाँ पे, 12% लगा रहे हैं टैक्स, तो CGST यानी सेंट्रल और स्टेट का 6% ले लेगा। यहाँ सिर्स एक एडिशनल टैक्स भी होता है वो हमें देना होता है, ये वो टैक्स एडिशनल आप गवर्नमेंट लगाती है कंपनीज पे और सभी से लेती है, ये टैक्स वो एजुकेशन सेक्टर में या फिर बच्चों की एजुकेशन में, मेडिसिन के लिए या जो स्कॉलरशिप वगैरह देती है ऐसी जगहों पे खर्च करती है चैरिटी पर्पज से, तो वो एडिशनल सेस होता है जो गवर्नमेंट लेती है, वो यहाँ पे देते हैं 10% होता है नॉर्मली, फिलहाल हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं ये एडिशनल सेस। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ई वे बिल अभी यस नहीं करेंगे हम, कोई भी और फीचर यस नहीं करना फिलहाल, यस करके आगे बढ़ जाएंगे, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से या फिर एंटर करके। एक्सेप्ट कराने के बाद तो कंपनी लेवल पे हमने 12% सेट कर दिया है,
जैसे आपने कंपनी लेवल पे सेट कर दिया, सभी स्टॉक आइटम पे 12% टैक्स लग चुका होगा। ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले में आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जीएसटी रेट सेटअप। जैसे ही इस जीएसटी रेट सेटअप ऑप्शन पे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा, देखिए डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल, और आप इस पे ऑल्ट F1 करके डिटेल में देख सकते हैं। तो देखेंगे HCL और उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पे वही सेम परसेंटेज लग गया है कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करने की वजह से। अगर आप टैक्स वाइज देखना चाहते हैं, अभी तो ये ग्रुप वाइज दिखा रहा है कि डेस्कटॉप और उसके अंडर में उसके सब ग्रुप और उसके स्टॉक आइटम, फिर परसेंटेज दिखा रहा है। अगर आप टैक्स रेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए टैक्स रेट वाइज, तो ये टैक्स रेट को हेडिंग बना देगा और उसके अंडर में जितने हैं सब आ गए। तो बात वही है, अलग अलग स्टॉक लेवल पे देखना है या फिर टैक्स रेट वाइज देखना है। तो हम ग्रुप वाइज देख रहे थे, हम ग्रुप वाइज देख सकते हैं, हम रेट वाइज देख रहे थे तो हम रेट वाइज देख सकते हैं। तो ये तो था कंपनी लेवल पे जीएसटी सेट करना। अब मान लीजिए हमें ग्रुप लेवल पे सेट करना है, तो आपको याद हो मोबाइल पे हमने एक अलग परसेंटेज सेट किया था। तो देखिए मोबाइल के सभी प्रोडक्ट पे अगर परसेंटेज चेंज करना है, हम ऑल्टर में जाएंगे। जब आपने मोबाइल का ग्रुप बनाया था स्टॉक ग्रुप, मोबाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ बनाते टाइम पे आपसे जीएसटी रेट सेट करने के लिए बोलता है। तो ये है स्टॉक ग्रुप लेवल पे जीएसटी सेट करने का ऑप्शन। जब आप ग्रुप बना रहे होते हैं वहीं पे ऑप्शन आपसे पूछ लेता है, हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब ये देखिए पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन स्टॉक ग्रुप का, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पे देते हैं मोबाइल प्रोडक्ट्स, जो भी इसका HSN कोड होगा वो दे देते हैं। टैक्सेबिलिटी यहाँ पे टैक्सेबल और परसेंटेज का देते हैं, 18% टैक्स मान लीजिए लग रहा है मोबाइल पे, और आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, और अगेन आप जा सकते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम रिपोर्ट देखेंगे, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रेट सेटअप पे जा करके, और ऑल्ट F1 आप करके देखिए। तो यहाँ देखिए ये मोबाइल वाले पे 18% लग चुका है। यहाँ अगर आपको देखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप टैक्स रेट वाइज क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि 12% में ये सारे हैं और ये मोबाइल के चारों प्रोडक्ट इसमें 18% लगा हुआ है। तो ये है स्टॉक ग्रुप लेवल पे जीएसटी सेट करना। ग्रुप पे सेट किया, उसके चार स्टॉक आइटम थे, चारों पे 18% लग गया, CGST 9%, SGST 9%। अब इसके बाद देखते हैं सब ग्रुप लेवल पे जीएसटी सेट करना। मान लीजिए हम विंडोज पे, जो विंडोज फोन है उस पे 28% का टैक्स लगता है, तो आप यहाँ पे जाइएगा और जहाँ आप ग्रुप पे पहुँचे थे, क्योंकि सब ग्रुप भी एक तरह का ग्रुप भी ही है, तो यहाँ स्टॉक ग्रुप पे आप गए और विंडोज फोन सेलेक्ट करिएगा। पिछली बार हमने मोबाइल पे सेट किया था, इस बार हम विंडोज पे सेट करेंगे, और यहाँ जाएंगे तो अगेन वही ऑप्शन आपको मिलेगा सब ग्रुप लेवल पे। तो ये जो विंडोज है ये मोबाइल का सब ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अंडर मोबाइल, तो मोबाइल आपका मेन ग्रुप है और विंडोज उसका सब ग्रुप है। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, और अगेन हम यहाँ पे विंडोज फोन करके कुछ एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, HSN कोड, टैक्सीबल यहाँ पे बनाएंगे और दे देंगे 28%, और उसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम फिर यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप देखेंगे जाके, जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी रेट सेटअप, तो यहाँ आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज हो गया होगा, और ये देखिए लगा हुआ है विंडोज फोन पे 14%। रेट वाइज देखना है तो टैक्स रेट वाइज क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे दिखाएगा 12% के ये सारे स्टॉक हैं, और सैमसंग के दोनों 18% पे हैं और विंडोज के दोनों 28% पे दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक सॉरी सब ग्रुप लेवल पे। इसके बाद हम जाते हैं स्टॉक आइटम लेवल पे। तो स्टॉक आइटम लेवल पे अगेन हम ऑल्टर करेंगे, और इस बार हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। अब जैसे हमें HP 200 पे अलग परसेंटेज सेट करना है, तो हम स्टॉक आइटम HP को ले लेंगे और यहाँ जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा। देखिए अगेन जब आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो सेट ऑल्टर GST का ऑप्शन आता है, इस पे आप यस कर लीजिएगा। यहाँ अगेन आपको पूछेगा HP के प्रोडक्ट्स हैं, हम दे देते हैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, ऑन वैल्यू पे लगाना है, रेट पे हमने कहा वैल्यू पे लगेगा, और यहाँ टैक्सेबल। इसके बाद हम यहाँ परसेंटेज दे देंगे, मान लीजिए 5% का टैक्स लगता है इस पे, चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम विंडोज पे भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए HP कंपनी लेवल पे सेट था अभी तक, अब ये कंपनी लेवल को ओवरराइड कर देगा और इस पे 5% लग जाएगा। ऐसे ही विंडोज जो 200 है इस पे विंडोज फोन पे 28% लगा हुआ है, तो ये इस पे हम जाके चेंज करेंगे तो ये भी ओवरराइड कर देगा। हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, विंडोज फोन है ये, और कुछ इसका HSN कोड दे देते हैं, ऑन वैल्यू टैक्सेबल करके,
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी 5% दे देते हैं, इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा के। अब आप यहाँ जाके देख सकते हैं अगेन डिस्प्ले में जीएसटी रेट सेटअप जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सभी पे परसेंटेज अलग अलग, 5% यहाँ पे लगा हुआ है लैपटॉप पे, और इसके अलावा मोबाइल जो है उस पर अलग अलग दिखा रहा है 5% ये विंडोज 200 पे। तो रेट वाइज देख लेते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए 12% के फ़ोन यहाँ पे दिखा रहा है, लैपटॉप डेल एचसीएल और लेनोवो, और 5% किस पे लगा है, एचपी जो आपका लैपटॉप था उस पे, और इसके बाद विंडोज़ पे। इसके अलावा 18% लगा हुआ है सैमसंग पे, और 28% लगा हुआ है विंडोज़ 100 इस फ़ोन पे लगा हुआ है। स्टॉक आइटम यहाँ पे एक था, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से आप अलग अलग लेवल पे जीएसटी सेट करते हैं, और ये सेटिंग होने के बाद जब आप इसकी एंट्रीज करेंगे तो इसी परसेंटेज के हिसाब से वो कैलकुलेट भी करेगा, जो स्टॉक आइटम आप सेल या परचेज करेंगे इसी परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करेगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जीएसटी की सेटिंग देखी हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी एंट्रीज करके देखेंगे कैसे जीएसटी कैलकुलेट होता है, कैसे आईजीएसटी कैलकुलेट होता है, कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होता है। तो अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप लेक्चर को एक दो बार देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा लगा करके, और डिटेल शो करके देखिएगा कि कैसे परसेंटेज सेट हो रहा है। एंड इवन यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट्स और कॉन्टैक्ट डायरेक्टली एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अदर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।